पंजाब काबीना का वर्कर्स को रिलीफ देने के लिए अहसन इकदाम। पंजाब ने मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 करने की मंजूरी। काबीना का माजूर अफराद, बुजुर्गों और तुलबा तालिबात के लिए भी बड़ा रिलीफ। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर फ्री सफर कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। आज भी काबीना से 25,000 तलब किया था, जिसमें तमाम सस्ती आई थी। तमाम हुकाम जो है वो उनके पास 25,000 जो है वो नकाती पेश किया गया था। इसमें एजेंडा उसका पंजाब काबीना का वर्कर क्रेडिट करने के लिए असल इकदाम का फैसला किया गया। वर्कर को कम से कम सरकारी मेडिकल दाखिला पुलिस के लिए ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पंजाब में मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आला का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया गया है। महकमे लेबर ने सेक्रेटरी वेज बोर्ड को फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत भी दे दी। कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन गजट में शामिल किया जाएगा। महकमे लेबर ने सेक्रेटरी मिनिमम वेजेस बोर्ड को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। जबकि महकमे लेबर के मुताबिक कम अज़ कम उजरत का इतलाक़ तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों पर होगा। पंजाब में मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपये करने की मंजूरी। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आला का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। महकमे लेबर ने सेक्रेटरी मिनिमम वेजेस बोर्ड को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम दे दिए। कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन गजट में शामिल किया जाएगा, महकमा लेबर की जानिब से ये कहा गया। गरीब और सफ़ेदपोश शहरियों के लिए महंगाई व बाले जान बन गई। बिजली के भारी भरकम बिलों और अशिया ज़रूरिया की कीमतें सार्फीन के बस से बाहर हो गए। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा लेने के लिए दीगर अशियाई खुरनोश खरीदने की शर्त खत्म की जाए। शहर समेत मुल्क में जारी बदतरीन महंगाई ने गरीब तबके की पहले ही जान निकाल कर रख दी है। अशियाई ज़रूरिया की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर जेबें टटोलते नजर आते हैं और ऊपर से यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने गरीबों की मुश्किलात दुगना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की खरीदारी दीगर अशियाई ज़रूरिया के खरीदने से मशरूत है, जिससे गरीब तबका परेशान है। कहते हैं अगर दीगर अशिया खरीदने के पैसे ना हो तो क्या आटा भी ना खरीदे। 2,500 तोड़ा मिलता पे 20 किलो का, तो भी साढ़े मतलब का नहीं होता। 20 किलो आटे का थैला 2400 और 10 किलो 1283 रुपए का है। शहरी कहते हैं अगर आटा ही खरीदने के पैसे पूरे हो जाएं तो गनीमत समझते हैं। जब तक दीगर इशा न लें, यूटिलिटी स्टोर्स का अमला आटा भी नहीं देता, क्या बच्चे भूखे मारे। छोटा तबका था है वो, उसको यही एक एडवांटेज था की चले यूटिलिटी स्टोर में जाएंगे, कोई थोड़ा बहुत जो है ना हमें वहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके तो वही हाल है। शहरियों का वफाक और पंजाब मिलकर यूटिलिटी स्टोर पर अशियाई ज़रूरिया की कीमतें कम कराने के लिए इकदामात करें। गरीब तबका दो वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 11 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल्स को नर्सिंग कॉलेजेस में जम कर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल लाहौर को कॉलेज ऑफ नर्सिंग गंगाराम अस्पताल में जम किया गया है। 6 स्कूल ऑफ नर्सिंग को भी करीबी नर्सिंग कॉलेजेस के जेर इंतजाम कर दिया गया है। जबकि महकमा सेहत पंजाब ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन अदारों के बजट अलग अलग जारी किए जाएंगे। प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेजेस को DDO पावर्स भी सौंप दी गई, जबकि DG नर्सिंग जम शुदा कॉलेजेस के इंतजामी और माली अमूर निपटाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कस्टम्स गोदामों से करोड़ों का कीमती सामान चोरी होने पर सिटी 42 की निशानदही पर एक्शन। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने गोदामों में मौजूद सामान का ऑडिट शुरू कर दिया। जबकि गोदाम सुनसान इलाकों से गुंजान इलाकों में मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है।
गोदामों से सामान की चोरी की निशानदेही सिटी 42 ने की थी, जिस पर वफाकी टैक्स महतसिब ने एक्शन लेते हुए तमाम डायरेक्टोरेट से 2023 तक सामान चोरी की रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस सामा शहजाद का कहना है, कीमती सामान की चोरी के वाकयात रूनुमा होने पर गोदामों को गुंजान इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है और गोदामों में से सामान की चोरी में मुलविस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्टेट डांसर निदा चौधरी और सोनू भट्ट की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। महकमे दाखिला पंजाब ने स्टेट डांसर सोनू भट्ट और निदा चौधरी को तलब कर लिया है। निदा चौधरी और सोनू भट्ट ने स्टेट ड्रामे में गैर इखलाकी डांस किया था। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। जी कैसर खोकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने सोनू भट्ट और निदा चौधरी, ये दोनों स्टेज अदाकार हैं, इन्होंने स्टेज पर फांसी फैलाई, नीम उर्जा रिमार्क किए और नीम उर्जा जो अखलाक से गिरे हुए डांस किए और फांसी फैलाई और नीम उर्जा जो है ना वो बिखरे कसे स्टेज पर, जिसकी वजह से जो ड्रामा ड्रामर किया इन दोनों को महकमा दाखिला ने पर्सनल हेयरिंग तलब कर लिया और निदा जो चौधरी और सोनू भट्ट की माफी जो है वो मुस्तरद कर दिया है, जबकि सना गिरफ्तार मुनावला है। ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड की फहरिस्तें हतमी ना हो सकें, स्क्रूटनी कमेटी एक माह से मौसूल दरख्वास्तों की छानबीन कर रही है। अगस्त को मुस्तहिक फनकारों की 4 दरख्वास्तें महकमा इतलात को भेजी जाना थी। मजीद अहवाल जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुस्तहिक और गरीब फनकारों के लिए जो है आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड बनाया था, जिसके 2023-24 के लिए दरख्वास्तें जो है वो तलब की गई और उन दरख्वास्तों को अब फाइनल करने के लिए सिक्योरिटी कमेटी जो है बनाई गई, लाहौर आर्ट काउंसिल के मेम्बरान और कुछ फनकारों की, और इस कमेटी ने जो है तमाम दरख्वास्तों को की छानबीन करके 4 अगस्त को इसको हतमी मराहल फाइनल करके जो है वो इतलातों महकमा इतलातों सकाफत पंजाब को भेजना था, लेकिन एक माह से जायद का अर्सा गुजर गया है, ऐसा हाल छानबीन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है और छानबीन मुकम्मल ना होने से इन दरख्वास्तों पर जो आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड गवर्नमेंट ने देना है वो भी जो है वो तखीर का शिकार हो गया और इस पर सूबाई वजीर इतलात सकाफत पंजाब आमिर मीर जो है वो शदीद गुस्से में है और उन्होंने। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब की हदायत पर गाजी कमेटी का इजलास, 20 ऑफिसर और अहलकार गाजी करार, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला यूनिट्स और फील्ड फॉर्मेशन से भिजवाए गए केसेस का जायजा लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में गाजी कमेटी का इजलास हुआ, 20 अफसरों और अहलकारों को गाजी करार दे दिया गया। उनके नाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस में गाजी वॉल पर कुनिंदा किए जाएंगे। IG पंजाब के मुताबिक मजकूरा ऑफिसर और अहलकार गाजी मेडल समेत गाजी पैकेज के तहत मराहत के हकदार होंगे। गाजी करार दिए जाने वालों में DSPs सुहेल हुसैन काजमी, सईद अहमद, इंस्पेक्टर्स अरशद जलाल, गुलाम सरवर और मोहम्मद फारूक शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सईद सरवर, कॉन्स्टेबल्स गुलाम अब्बास, असद खान, तारिक महमूद, अब्बास अली और दीगर को गाजी करार दे दिया गया है। ये ऑफिसर और अहलकार दौरान ड्यूटी दहशतगर्दों, डाकुओं के साथ मुकाबलों और दीगर वाकयात में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए। बानी UMT डॉक्टर हसन सुहेब मुराद शहीद की याद में कुरान खानी और दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। डॉक्टर आसिफ रजा, प्रोफेसर आबिद शेरवानी की शिरकत, शुरका ने कहा डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की फरोग तलीम के लिए काविशों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने कहा कि डॉक्टर हसन की उम्मत मुसलमान की फलाह और तालीम के फरोग के लिए अनथक काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। DG UMT आबिद शेरवानी ने कहा कि डॉक्टर हसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी UMT को आलमी सतह का बेहतरीन तालीमी इदारा बनाने में वक्फ कर दी। UMT इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर सुहेब हसन मुराद मुअल्लिम होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद और खतीब भी थे।